मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लालबर्रा क्षेत्र के मुरझड़ में होने वाले राष्ट्रीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 मई से 20 मई तक होने वाले इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब, लुधियाना, नासिक, राजस्थान, नागौर, पुणे, वाशिम, यवतमाल एवं महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों से भी बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रही है। इस प्रतियोगिता में आधुनिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल घड़ी, डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। 19-20 को हो रहे एग्रीकल्चर एक्सपो में, एग्रीकल्चर प्रदर्शन में, एग्रीकल्चर मेले में, जहाँ पर राजा भोज की प्रतिमा का हमने व्यवस्था करके 15 फुट संभवतः ऊंचाई की राजा भोज की प्रतिमा भी राजा भोज कृषि महाविद्यालय के परिसर में लग रही है। सभागार का लोकार्पण हो रहा है और इसी के साथ साथ पूरी बिल्डिंग की अधोसंरचना सहित जो बन गया उसका लोकार्पण कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी आने की बाकी, फर्नीचर वगैरह के लिए हमको 8 करोड़ रुपए जो हमारा रह गया तो आया है, उसकी परचेसिंग की प्रक्रिया में टाइम है। बरसात सामने, बिल्डिंग बन के तैयार है, हम सोचेंगे कि एक खिला लग जाए तब करेंगे, ऐसा होता नहीं। जो जरूरी था करके जितना धन की आवश्यकता है उसका प्रबंधन करके आने वाली 20 तारीख को नरेंद्र तोमर जी के कर कमलों से हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है। उस इनॉग्रेशन में आपने हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ आएंगे, जिससे कि संपूर्ण कार्यक्रम की सत्यता प्रमाणित हो। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में किसान बंधुओं को साल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 1 से लेकर 25 क्रमांक तक के विजेता बैल जोड़ियों को 3 ट्रैक्टर, 22 मोटरसाइकिल और सभी जोड़ियों के किसानों को 7वां पुरस्कार भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित होंगे। मवेशी के महत्व को और उसकी आवश्यकता को इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें 2-3 बात आती है कि भाई हम अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, देश के नागरिकों के लिए दूध यदि हम चाहेंगे तो दूध तो किसी यंत्र से निकलेगा नहीं, नहीं दूध किसी यंत्र से बनाया जा सकेगा। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, जर्सी से हम दूध पाउडर मंगा करके, हमें याद है जब हम गांव में पढ़ते थे तो दूध के पाउडर के डब्बे आते थे, हल्का मीठा मीठा लगता तो उसको हम पानी में घोल के पीते थे। यदि हम अपने देश को डेनमार्क बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और अपने देश को हिंदुस्तान की संस्कृति में रखना चाहते हैं तो फिर गौ पालन हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।